नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ अभी लाइव बने हैं छोटू बिहारी। भोजपुरी गायक ने दिया अनोखा संदेश, इसके बारे में हम बात करेंगे। छोटू बिहारी जी हमारे एसटीजी न्यूज चैनल पर आए हैं। पहले तो छोटू बिहारी जी, आपको बोला जाता है कि आने वाला टाइम का आप है सिंगर है बेस्ट सिंगर माना जा रहा है। जैसे कि आप ले लीजिए भरत शर्मा जी को ले लीजिए, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो ऑडियंस बोलती है मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। कुछ गाना आपका वायरल हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे जो आपने संदेश दिया है? पहले तो अपने व्यूअर्स को गाना सुनाऊंगा कि वो गाना एक्चुअली है क्या। पहले वो गाना इनका काफी व्हाट्सएप पर वायरल हुआ है, पहले उस गाना को आप सुनिए, फिर हम इनसे सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे इसके बारे में। कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करतरी एगो घरेलू महिला अपना पति से बतियावत रही, अका कहतरी हाय लल्ला कोरोना घर के बहारिया ना जई है जा। लॉकडाउन भइल बगुआ नगरिया त घर ही भितरिया रहे जा। घर से बहारिया ना जई है जा। कोरोना के टूना लाग जाई राजा जी सौसे उमिरिया। छोटू बिहारी जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। जो आपने गाना अभी आपने अपने ऑडियंस को सुनाया, ये गाना आपको जहन में कब आया? एक बहुत अच्छा इसमें मैसेज देता है कि जो इस समय देश के हालात है, लोग कोरोना वायरस से लॉकडाउन है, ये गाना आपने कब आया आपको जहन में? जैसे ही लॉकडाउन का आदेश माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे ही अनाउंस किए, अपील किए, तो हमने सोचा कि इसमें अपील हम भी लोगों से करें, लोगों के बीच जागरूकता फैलाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों और उस पे अमल करें। सूचना के तहत हमने सोचा कि लोगों तक, चूंकि कलाकार और पत्रकार का काम ये होता है, समसामयिक स्थिति जो होती है उसको उससे पब्लिक को रूबरू कराना। छोटू बिहारी जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन है, आप जिस जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, उस समय कितना लोग इसको पालन कर रहे हैं? पालन लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हल्के में भी ले रहे हैं। जो ले रहे हैं उस गाने से, जो आपने गाना भी हमारे पास भेजा था, वो गाना का दो लाइन से आपने जो स्टार्टिंग के तीन चार लाइन वो गाने में ही बोलता है, ठीक है, तो उस गाने को अगर अपने आवाजों से सुनाए तो ऑडियंस को ज्यादा फर्क पड़ेगा और आपके गाने के माध्यम से वो लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गाना अब दोबारा से गाएं। जी ठीक है। इसमें एक पत्नी कहती है अपने पति से, समझाती है, चूंकि ऐसा भी मानल गई, बता नहीं सकता मजाक में भी ले लेवे के बाद, कि भले पुलिस प्रशासन केहू को वो बात ना माने लेकिन मेहरारू के बात केहू मर्द ना उठावे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब पत्नी से लोग बड़ बड़ लोग अधिकारी मंत्री सभी देखाला, तो हम यही बात के तनी सा मजाक में ही चाहने की माने मनो, चूंकि ढेर लोग जिसे कि हम सोचने की मनोरंजन भी होके संदेश भी जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वह पत्नी कहतरी अरे फैलल बा कोरोना महामारीया घर के बहारिया ना जई है जा। घर के बहारिया ना जई है जान। लॉकडाउन भइल गौआ सहरिया
घर ही भितारिया रहे जान, घर ही भितारिया रहे जान। बहुत अच्छा, आपकी आवाज बिल्कुल वही है जो हमने गाना में सुना है। इस माध्यम से लोग जो आपको जितने भी फॉलोअर्स हैं और हमारे चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे, जो गाने का शब्द है इस पर ध्यान से आप समझें। बिल्कुल, इसको इसको सुनना है उससे कई गुना ज्यादा इसको गुनना है। हाँ, अमल करना है। अगर अमल ना करें, हम गाने गाई दवाई बढ़िया होके या बगली में धैले होके दही में जाई, तब नू दिमाग में ई बतिया ढूके के चाहिए लोग पे, ए पर लोग अमल करो। अच्छा छोटू बिहारी जी, आपसे एक चीज और पूछना होगा कि आपने गाना कब से गाना स्टार्ट किया, मतलब ये गाना तो कब से स्टार्टअप आपने लिया? जी गाना तो हम बचपन से ही, हम माने स्कूल में पढ़ते थे तभी से गा रहे थे। बताइए कि 5 साल 10 साल से आपने इस चीजों को? हाँ, इसके एकर विधिवत शुरुआत भइल 2003 में। 2003 यानी 17 साल का आपका जो रियाज है और आज वो मुकाम पर आप पहुंच रहे हैं कि जहां पर आपकी वीडियो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आपकी आवाज को पसंद कर रहे हैं। जी, तो एक चीज और बताऊंगा कि कुछ और भी गाने इसके अलावे हैं आपके पास, थोड़ा आप ऑडियंस को सुनाएं, जिसलिए कि इस समय देश में हालात हाई टेंशन में है, लोग टीवी नहीं देख रहे हैं। कुछ ऐसा उनको सुनाइए कि जिनका थोड़ा सा रिलैक्स हो, माइंड को फ्रेश करें। कितने लोग बोल रहे हैं कि सर एक ही न्यूज आ रही है पूरे दिन, हम एक ही चीज देख देख कर हम टेंशन में आ रहे हैं, तो उसके बीच हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ शगुन देना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक बा, टेंशन में सोचे के बाद वो लोग से कहा कि रउआ सबे चाहे हमने के घर में बैठल बैठल इतना हमने के टेंशन बा, लेकिन जो लोग दिन रात डॉक्टर हो, देश के जवान सिपाही, पुलिस प्रशासन, मीडिया कर्मी, जो अपनी जान हथेली पे लेके और कोरोना जैसे खतरनाक महामारी से अपनी जान की बाजी लगा के खेल के तमाम लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं, सोचिए उन लोगों पे क्या बीतती बीतती है। हम लोग घर में रह के बोर हो रहे हैं, इसलिए बोर नहीं होना है, मनोबल को एकदम मजबूत करना है और कहना है क्या कि डॉक्टर पर शासन पुलिस और पत्रकार के, डॉक्टर पर शासन पुलिस और पत्रकार के, रखी हा सलामत माई एह लोग के परिवार के, रखी हा सलामत माई एह तीनों के परिवार के, देशवा के बचावता लोग हथेलिया पले के जान के, देशवा के बचावता लोग हथेलिया पले के जान के, रखी हा सलामत माई। देखिए माई के भीड़ी बैठे देख रहे हैं फुटेज आ रहा है। रखी हा सलामत माई अरे लोग के परिवार के। एक क्वेश्चन आपसे ये लूंगा कि जिस तरह से ये आवाज में इतना दम है, शब्दों में इतना आपके पास सरस्वती आपके स्वरों में बसी हुई है, एक चीज बात बोलूंगा, कुछ चंद पैसे कमाने के लिए कुछ अश्लील गाने गाए जा रहे हैं, उसके बारे में छोटू बिहारी जी आप क्या मानते हैं? हम यह कहब सरकार कि देखिए पैसे सब कुछ ना होला, अश्लीलता से अपना जेकरा से रोजी रोटी चलेला ओकरा के नंगा ना कहिला, आ नंगा कहिला से अगर रोजी रोटी आवता तो ओ रोजी से बरकत ना हो, शांति ना रहे। तो ऐसे हम सबके से कहब कि या सुननिहार होखस, कलाकार होखस, लिखनिहार होखस, इस सभी एक दूसरा पर दोष ना देखे, अपन अपन दोष समझे, अपन अपन दोष के सुधार करे तो सब कुछ ठीक हो। एक गाना आपसे और भी सुनना चाहेंगे जो व्यूअर्स हैं, कि एक गाना और आप सुनाइए कि जो उनको दिल को तसल्ली मिले और उनके अंदर हौसला आए, एक गाना आप गा के सुनाइए। अच्छा, ऐसा भी आपका मन पसंदा, हम ये चाहते हैं कि ऑडियंस आपकी आवाज को सुने। देखिए हम तो गीत बहुत सारा हमने के गोले बन गया, जो आपको लगता है कि नहीं ये गाना बेस्ट है, उस समाज में मैसेज दे सकता है, आप उसको गा सकते हैं।
अच्छा जो वायरल भी भाई छोड़ के सुनाई ना ये जो हाँ जो आपकी मर्जी है इसको छोड़कर ऑडियंस ने इस गाने को सुन लिया है। अच्छा अच्छा ऑडियंस के ऑडियंस से हम ये कहो कि घर में बानी जा तो जे हमनी के सबसे बचावता जे रक्षा करता ओकर मनोबल बढ़ावले रह जा आप लस्तनी मनी मन के बदले खाती गा दिया बिल्कुल गोरिया चान की अजूरिया नियन गोर बाड़ू हो गोरिया चान की अजूरिया नियन गोर बाड़ू हो तोहर जोड़ केहू नहीं खे बेजोड़ बाड़ू हो तोहर जोड़ केहू नहीं खे बेजोड़ बाड़ू हो। क्या बात है हम उस दौर से आते हैं। ये आवाज भरत शर्मा जी का मैंने सुना था जब मैं छोटा हुआ करता था वो जहन आज कहीं ना कहीं सही बात है। जो लोग भरत शर्मा जी को अंदर से देखा होगा वो आवाज आप में झलकती है। ये बात हम भी महसूस कर रहे हैं ये स्टूडियो में बैठे हुए ये यहाँ पर क्वालिटी आ रही है एकदम लगता है कि शायद भरत शर्मा जी गा रहे हैं। इसलिए वो गाना शायद भरत शर्मा जी ही गाए थे जहां तक मैं छोटा था मैं उतना मुझे नॉलेज नहीं है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये गाना भरत शर्मा जी ने ही गाया था ना। जी जी जी। चलिए आज आप आए एसटीजी न्यूज चैनल पर आपने जिस तरह से आपकी पहचान है कि आप अश्लील गाना नहीं गाते हैं फिर भी आज इतना फेमस है एक मिसाल है। और इसी तरह से तमाम सिंगर भी छोटू बिहारी की तरह अश्लील गाने को छोड़कर एक अच्छा बने संस्कारी बने और अपना देश में नाम पहचान बनाए। और हाँ हाँ देखिए हमारे बेटा है ये भी घर में लॉकडाउन है। देखिए आप भी अपील कर दीजिए क्या करना है इस समय। इस समय घर में रहिए कोरोना से कोरोना को एकदम छोड़ेगा नहीं घर में हमेशा लॉकडाउन रहिए। और अगर आप बोर हो रहे हैं तो घर में एक्सरसाइज कर लीजिए। जैसा कि देख सकते हैं ये छोटू बिहारी जी का प्यारा सा क्यूट सा लड़का है जो आप लोगों से अपील कर रहा है और हमारे चैनल से हम भी अपील कर रहे हैं तमाम लोग अपील कर रहे हैं कि आप घर के अंदर लॉकडाउन रहिए। जैसा कि बताया है छोटू बिहारी जी ने कि इसमें का कोई इलाज नहीं है इसका सोशल डिस्टेंस ही सबसे बड़ा इलाज है। आप लोग आए आपके बेटा आए आप छोटू बिहारी जी आप लोग एसटीजी न्यूज चैनल पर इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एसटीजी न्यूज चैनल के सबके प्रणाम देखनिहार सुननिहार तमाम आप सब मीडिया कर्मी के हम छोटू बिहारी प्रणाम करते हैं। ठीक है थैंक यू।